गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आई होप कि आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा जा रहा है जैसे मेरे। तो अगर आप घर में बोर हो, अगर आपको भूख लगी हो और कुछ स्नैकिंग करने का कुछ ऐसे बोलते हैं ना गिल्ट प्लेजर, जैसे कोई कुछ फ्राइड सा क्रिस्पी सा खाने को मन करता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है फ्रेंच फ्राइज, है ना, हॉट चिप्स आ जाता है। मैं कभी कभी ना इसको फ्राई करके चिली पोटैटोज़ भी बना के खा लेती हूँ। उसका रेसिपी मैं आपको आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो गाइस, चिली पोटैटोज़ ना लाइक मेरे लाइक कल्चरल फूड में बहुत ही पॉपुलर है। हम स्नैक्स की तौर पे जैसे गेस्ट कोई क्विक लाइक इमरजेंसी में आ जाते हैं ना कभी, लाइक अभी कॉल करके बोलते हैं कि अच्छा हम आ रहे हैं, लाइक फ्रेंड्स आ जाते हैं चिल आउट करने के लिए, तो ये सबसे क्विक एंड ईजी रेसिपी लगता है मुझे। तो लाइक अभी तो मैं लाइक वो चिली पोटैटोज नहीं बना रही हूँ, पर ये भी एक बहुत ही लाइक क्विक लाइक फीलिंग सा गिल्टी वाला तो है थोड़ा सा, बट चलता है कभी कभी। तो इसके लिए पहले आप तेल गरम करो, पोटैटोज लाइक सेम साइज में कट करो, ठीक है? साथ में आप तेल बहुत हॉट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है फ्राइज, ठीक है, पोटैटोज, तो उसको क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमने फ्राई करनी है। तो मुझे लाइक इसकी सिजलिंग आवाज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग भी इंजॉय करो ये फूड मेकिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अस अगेन। तो इसके बाद ना मैंने देखा था, ओ माय गॉड, मेरे पास तो केचप ख़त्म है, तो मैं अब क्या करूँ, फ्राइज कैसे खाऊँ? तो मेरे दिमाग में एक क्विक सा ट्रिक आया, तो वो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए ऐसे सर्व करके। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आस। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ हम फिर आ जाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।